प्रेजेंटेशन स्किल पर बात करूंगा। मान लीजिए आपको कहा गया पीपीटी दिखाओ, है ना, ऐसा है ना, आपको पता होना चाहिए पीपीटी में एक स्लाइड पे कितनी लाइंस होती हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, किस एंगल में खड़ा होना है, कैसे बात करनी है। सो फ्रॉम माई साइड विद इन 2 आवर्स यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रेडी टू एनकाउंटर एनीबॉडी, एब्सोल्युटली रेडी। आई एम गिविंग यू वर्ल्ड्स प्रूवन टेक्नोलॉजी इन 2 आवर्स। सो सपोज समबडी आस्क व्हाई डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोजिशन, आप इस जिसके लिए आपने अप्लाई किया है इसके लिए आप एलिजिबल क्यों हैं। आप अगर मुझसे पूछते हैं मिस्टर अग्रवाल और राजेश अग्रवाल, एनीथिंग यू कैन से व्हाई डू यू थिंक यू आर क्वालिफाइड फॉर द पर्टिकुलर सेशन यू आर टेकिंग, बिकॉज आई नो माई जॉब परफेक्टली वेल, एब्सोल्युटली वेल, नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एनी मिस्टेक विदाउट ईगो। इट्स बीन 25 years, आई नो देर आर पीपल ओनली बाई अटेंडिंग 1 hour सेशन दे हैव क्वालिफाइड फॉर अ बिगर पोस्ट, बिकॉज द टेक्नोलॉजीज आई एम गोइंग टू गिव यू इट्स इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, ये फेल नहीं हो सकती है। ये इसलिए नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत पावरफुल, हम एक मिसाइल बनाते हैं, हम एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो फेल हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें हज़ारों लोगों का दिमाग इन्वॉल्व है। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी मैं आपको दे रहा हूँ उसमें लाखों बिहेवियरल साइंटिस्ट, हज़ारों बिहेवियरल साइंटिस्ट का ब्रेन इन्वॉल्व है। सो लेट्स गो वंस अगेन, मैं आपको थोड़ा बीच में कन्फ्यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भूल जाएं, फिर मैं पूछूँ तो आपको याद ना रहे, ठीक है, अगर याद रहेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सो थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, कंटेंट इज हाउ ब्यूटिफुल, थोड़ा वॉइस पे काम करेंगे, एंड देन वॉइस इज 45 एंड सो 7 + 45 हाउ मच, द बैलेंस इज, सो ओवरऑल एक्सप्रेशन ओ ई लिख लीजिए, ओवरऑल एक्सप्रेशन इज 48, ओवरऑल एक्सप्रेशन इज 48, जिसमें आपके बात करने के दौरान हाथों के मूवमेंट की बात आ जाती है, आपका ड्रेसिंग सेंस आ जाता है, आप किस एंगल में बैठे हैं, आई विल शो यू विथ अ डेमॉन्स्ट्रेशन, मैं चेयर बीच में रखता हूँ, ठीक लग रहा है ना, आप ठीक चल रहा है मामला ना, है ना, सपोज अगर आप ऐसे बैठे हैं, लेट मी शो यू, आई एम हियर टू गिव एन इंटरव्यू, मैं एक इंटरव्यू देने आया हूँ, ठीक है, एंड समबडी इज टेकिंग माई इंटरव्यू, सो याद रखिएगा वो हमेशा डोमिनेटिंग पोजिशन में रहेंगे, याद रख, वो हमसे उम्र में छोटा है बड़ा है इट डजेंट मैटर, बट ही इज माई बॉस, सो इफ आई एम सिटिंग देयर लाइक दिस इट हैपेंस, लोग गलती कर देते हैं, एक तो ये एटिकेट्स के हिसाब से गलत है इंटरव्यू देने के दौरान, अभी तो ठीक है चलेगा, पर इंटरव्यू में मजबूरी है, हम भी जब जाते हैं, व्हेनेवर वी गो इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी आर इनवाइटेड टू गिव अ प्रेजेंटेशन, वी आर एब्सोल्युटली कॉन्शियस बिकॉज वी हैव लर्न, सो 90-degree एंगल इज अ परफेक्ट आइडिया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर चाहे तो, 90-degree एंगल इज अ परफेक्ट आइडिया, लाइट चेस्ट अप हल्का, ठीक है, स्ट्रेट आई कॉन्टैक्ट, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, बहुत ज़्यादा आंखें अगर ब्लिंक कर रही हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फियर काम कर रहा है, सही है, जोर से है, बहुत ज़्यादा आंखें अगर ब्लिंक कर रही हैं, एक दो बार तो करनी भी चाहिए विच इज़ नेचुरल, बट इफ़ इट इज़ लाइक दिस, जी यस सर, आई एम स्टॉपिंग, देख रहे हैं, आपको करके भी दिखा रहा हूँ, इसका मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फियर जो कि होता है, बट आप उस समय लंबी गहरी सांसें लीजिएगा, मोर यू टेक डीप ब्रेथ ऑटोमेटिकली योर बॉडी इज इन कंट्रोल, ट्राई 3 times डीप ब्रेथ, ट्राई करके देखिए, लीजिए सीधा बैठ के लीजिए, लंबी सांस लीजिएगा और आराम से बिना मुझे बताए उसको बाहर निकालिएगा, एंड देन सी योर बॉडी इज इन कंट्रोल, एब्सोल्युटली इन कंट्रोल, आ रही है ना, है ना, सांसों का इतना बढ़िया असर है, अब उसमें जाए तो 21 जून तो आ ही रहा है ना, हाँ अच्छा, अभी तक यहाँ तक गाड़ी थोड़ी कवर हुई, थोड़ा रिस्पॉन्स करें, थोड़ा जोर से यस बोलें, तो अभी वापस लौटते हैं, कंटेंट इज, हाँ अब आपका वॉइस खुल रहा है ना, हाँ एंड देन voice is 45, so I came here and I started my seminar by asking your name and I also request you to sir ki aap apne bare mein thoda bataye, abhi wapas se activity karenge,
क्योंकि अब आप ट्रेंड हो चुके हैं। अच्छा, पीपल जनरली आस्क मी, राजेश जी, एक 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 इंसान को ट्रांसफॉर्म होने में कितना टाइम लगता है? जैसे आप अभी यहाँ आए, आप मुझे नहीं जानते थे, पहली बार देख रहे हैं, कुछ लोग पहले सुन चुके हैं हमें, बट मेरी बात आपके भीतर जाने में और उसको इम्बाइब करके अंदर में ट्रांसफॉर्म होने में कितना टाइम लगता है, इस पर बहुत रिसर्च हुआ है। मैं सारे रिसर्च को अलग रखता हूँ, इफ़ यू फॉलो मी, मैं मानता हूँ विद इन 120 सेकेंड एनी बडी कैन ट्रांसफॉर्म। माइंड को चेंज करने में 120 सेकेंड लगता है। एक बार आपने नई पिक्चर अपनी देख ली, ओ आई एम चेंज, फिनिश, आई सिट लाइक दिस, आई टॉक लाइक दिस, वो पिक्चर माइंड में चलनी शुरू हो जाती है। एंड द मोमेंट दैट पिक्चर स्टार्ट्स मूविंग इन योर माइंड, योर बिहेवियर बिकम्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। इसलिए वॉट वी डू इन स्कूल, जब भी हम स्कूल में जाते हैं, यू नो, स्कूल में जनरल कंप्लेन इन स्कूल, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। एंड आई बिकम, मैं बहरा हो जाता हूँ जब कोई टीचर ऐसे मुझे बोलते हैं। इसमें बच्चे का दोष नहीं है, इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़ कि लास्ट रो में जो बच्चा बैठा है वो टीचर के कम्फर्ट जोन में नहीं आया है। इट्स सिंपल। तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आगे जाके बच्चे से कम्युनिकेट करे। एम आई राइट? नंबर वन। नंबर टू, टीचर जो कंटेंट डिलीवर कर रही है उस बच्चे के आई क्यू के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, उसका स्लो लर्निंग प्रोसेस है, टीचर को 40 मिनट में कंप्लीट करना है, वो कैच नहीं कर पा रहा है, सो उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अब किसके पास टाइम है, अब तो सब कमर्शलाइज हो गया है, तो फिर फाइनली हम कहते हैं ये डफर है, ये है वो, और जितना ज़्यादा नेगेटिव वर्ड हम यूज़ करेंगे, इट गोज इन हिज माइंड और इन हर माइंड। प्लीज़ अंडरस्टैंड, गॉड इज़ एब्सोल्युटली न्यूट्रल, कोई डफर नहीं है, सबको इक्वल पोटेंशियल दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी किसको कैसी मिलती है। सो विल स्टार्ट वंस अगेन बाय दैट इंट्रोडक्शन, आपका नाम आप कहेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हिज इंट्रोडक्शन मे बी अ लर्निंग फॉर यू, और फिर हम किसी और का इंट्रोडक्शन लेंगे, हिज इंट्रोडक्शन मे बी अ लर्निंग फॉर यू। यस, प्लीज कम। एंड देन आप जिस चीज़ के लिए सेमिनार अटेंड कर रहे हैं उसके बारे में दो चार बातें हमें बताएं, और एक बात जरूर बताएं, क्या आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसको आप इन तीन दिन की वर्कशॉप में सॉल्व करना चाहते हैं? थोड़ा पता लगेगा तो और अच्छे गाइड कर पाएंगे, ठीक रहेगा? यस सर। मेरा नाम अशोक सिंह रावत है, मैं सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी में काम करता हूँ। जी सर, केमिस्ट्री से रिलेटेड मेरा जॉब है और मैं यहाँ पर अपने प्रमोशन के लिए। होल्ड कीजिएगा। डिड यू फाइंड सम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इन हिज एक्सप्रेशन इन कंपेरिजन टू लास्ट टाइम? थोड़ा भी हो, 10% 20% मिला आपको? थोड़ा चेंज मिला, इनके लिए तालियां बजा देंगे आप जरा थोड़ा मेरे लिए, है ना? सर एक दिक्कत होती है कहीं। हाँ, वो अभी बाद में दिक्कत खड़े रहिए आप, दिक्कत बाद में। सी द प्रॉब्लम इज हाँ, सेल फोन जरा चेक कर लीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ आर माइंड इज, माइंड बड़ा चलाक है, जैसी कोई एक प्रॉब्लम माइंड सॉल्व करता है, याद रखिएगा ये वाली बात, माइंड कहता है ये तो सॉल्व हो गई लेकिन दिक्कत अभी तक सॉल्व नहीं हुई। बट आप उस माइंड को कंडीशन ये करके बोलिएगा, टेल योर माइंड I am happy that I have been able to solve first problem. Once you give yourself positive stroke, I have done it. Once you have a feeling, I have done it, your mind becomes ready to solve next problem. So, आप, मैंने नहीं बोला, आपके कलीग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने पहली बार प्रेजेंटेशन दिया, आप दूसरी बार दे रहे हैं, दोनों में एक क्वालिटेटिव परिवर्तन मिला, तो पहले तो आप इन्जॉय करें, ठीक है ना? अब आप बताएं कि आपकी चैलेंज क्या है। जी, मतलब मेरे को यहाँ पर प्रमोशन के लिए जो है इंटरेक्शन कैसे सीखना है, उसमें निपुणता कैसे हासिल करनी है, हाँ, इसके लिए मैं आया हूँ। हाँ, मैं आज के 2 घंटे के सेशन में जितना बताऊँगा वो तो भर के ऐड कर लीजिए, फिर जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो लोग एक्सपर्ट आएंगे आप उनसे बात कीजिए। उम्मीद ये करता हूँ जो मैं बताऊँगा उससे आपकी चैलेंजेस सॉल्व हो जाएगी, निकलने के बाद आप 7 दिन तक उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है? ओके, कैन वी अप्रिशिएट, मैं गिव हिम अ हैंड, बैठिए। ऑल राइट जी, आप अपने बारे में। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है, थोड़ा एंगल चेंज करके फायर एक्सप्लोसिव सेफ्टी में हूं, और मैं अपना कम्युनिकेशन ठीक करने आया हूं। हाँ, आपकी जो स्पीड ऑफ डिलीवरी है वो थोड़ी फास्ट है। मैं आपका इंट्रोडक्शन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी वॉइस भी चेक कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ डिलीवरी भी चेक कर रहा हूँ, और मेरे को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि पहला सेंटेंस मेरे अंदर गया है, अब मैं डाइजेस्ट कर चुका हूँ, दूसरा आएगा। तो थोड़ा स्पीड कम करके दोबारा से बोलिए। जी सर,
सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। मैं सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोर सेफ्टी में TOA के पद पर कार्यरत हूँ। मैं, मेरा असेसमेंट 4 जुलाई का, मैं असेसमेंट को फेस करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए यहाँ आया हूँ। कैसा लगा सेकंड राउंड में बोलते हुए? थोड़ा बेटर लगा ना? सी, आपको फीलिंग आ जाएगी, आपको खड़े रहिएगा थोड़ी देर है, आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ, मैं पहली बार से दूसरी बार थोड़ा और ज़्यादा बेटर था। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट अ कैटलिस्ट एजेंट। मैं यहाँ पर एक कैटलिस्ट एजेंट हूँ। मेरा काम है चीज़ों को अलाइनमेंट करके आपको रिप्रेजेंट कर देना। मेरा काम ये नहीं है यहाँ पर कोई मोरालिटी पर लेक्चर देना, कैरेक्टर पर लेक्चर देना, क्योंकि वो अलग सेशन होते हैं। मेरा काम है जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं और जो आप इंटरव्यू देंगे उससे आप बाहर आ जाएं। अब देखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहिएगा, ऐसी रहिएगा, यू नो। सो अगर आप मेरे सामने ऐसे खड़े हैं, फाइन, बट थोड़ा सा कंधों को रिलैक्स कीजिए, कंधों को रिलैक्स कीजिए थोड़ा, हाँ, हल्का सा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज मुझे शो कर रही है कि आप अंदर में बहुत अपने से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, नर्वसनेस होगी, लेकिन ये आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है, एक्सप्रेशन में रिलैक्स रहना है। ठीक है, और कोई बात आप कहना चाहें, पूछना चाहें? नहीं सर, लास्ट ईयर जो मैं असेसमेंट था उसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई, हेजिटेशन हुई थी कम्युनिकेशन में। हाँ, तो मैं सर, कौन सा, हाँ, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पॉइंट पूछा गया था जहाँ पर हेजिटेशन हुई? कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैं जानता था लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आए थे, तो प्रॉब्लम हुई थी सर मुझे। हाँ, क्योंकि उनके जो पूछने वाले थे वो साउथ इंडियन थे, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। ओके, इन दैट केस आई हैव, प्लीज इन दैट केस, यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रेस्पेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन एंड बैकग्राउंड। उसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट द इंटरव्यूअर, यू कैन ऑलवेज से, सर एक्सक्यूज मी, कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू रिपीट, या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ थोड़ा आप रिपीट कर दें, बिकॉज थोड़ा मुझे क्लैरिटी से समझ में नहीं आया। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई वेंट फॉर अ वीज़ा इंटरव्यू 22 अप्रैल, मैं US में गया, मेरी ट्रेनिंग थी 22 अप्रैल से 7 मई तक, नॉन स्टॉप मुझे US में ट्रेनिंग देनी थी। And this was my first time visit to US. So I went for my visa interview and I have gone through all the techniques on YouTube how to appear for visa. Kyunki main trainer apni line ka hu, visa ka nahi hu. And they were teaching this, they were teaching that, sab bata rahe the. Now there was a girl in visa counter, she was from US. Natural, wo to America se hoga na. Ab her way of talking angrezi is different than my way of talking. मैं तो इंडियन स्टाइल में बात करूंगा। एंड देर वेर मेनी सिचुएशन वेर द एक्सेंट वॉज नॉट क्लियर टू मी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो मेरा, बिकॉज आई वॉज ट्रेंड, सो आई वॉज कूल एंड आई वॉज काम एंड आई रिक्वेस्टेड अ मैम, मे आई हम्बली रिक्वेस्ट टू रिपीट वॉट यू जस्ट सेड, बिकॉज आई नीड टू गिव अ प्रॉपर आंसर। एंड शी रिपीटेड वेरी पोलाइटली। सी, समटाइम हम डर जाते हैं कि अगर मैं रिपीटेशन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा तो सामने वाला बुरा ना मान, ऐसा नहीं है, वो और अप्रिशिएट करेगा कि भाई आप में ये गट्स हैं कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं। आपने नहीं पूछा, उनको लगा आपको समझ में आ गया, यस और नो, है इस कन्फ्यूजन में कन्फ्यूज हो गया। ठीक है ना? सो गिव हिम अ हैंड, वेरी गुड एग्जाम्पल, गिव हिम अ हैंड, यू नो, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड, यस। मेरा नाम परमात्मा सर। हाँ, देखिए, जब भी आप अपना परिचय दें उस तरफ देख के दें, बिकॉज आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, एक यहाँ पे पैनल बैठा हुआ है, इमेजिन करें आप उनसे बात कर रहे हैं। जी, मेरा नाम परमात्मा सर है, मैं SSPL से हूँ और यहाँ पर ट्रेनिंग के कुछ पॉइंट सीखने के लिए, जो कुछ हम कन्फ्यूज हो जाते हैं उसके लिए यहाँ पर आया। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ही गाइड करना है, बिकॉज आई डू नॉट नो द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। Is it compulsory in the interview to speak in English or Hindi भी चलती है? You can speak in Hindi ना? हाँ, very good, चलिए। आप जैसे बोल सकते हैं। आप जैसे comfortable रहे। हाँ, फिर से repeat करें फिर। हाँ। मेरा नाम परमात्मा सरन है। मैं SSPL से हूँ, TOA। और मैं यहाँ पर training के लिए आया हूँ, जो कि assessment में मेरा कुछ confuse होता है किसी को कुछ point के related, तो मैं यहाँ सीख सकूँ और आगे अपना बहुत अच्छे improvement कर सकूँ। जी, और कौन सी ऐसी ब्लॉक या चैलेंज आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि ये अगर क्लियर हो जाए तो मैं और अच्छा बोल पाऊंगा? कोई रुकावट, कोई हेजिटेशन अगर आप फील करते हो? मुझे तो पिछले असेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं लगा, तो परफेक्ट है, बहुत अच्छी तरह से अपना बात को रखा। हाँ, की बात को समझा, कहीं का फिर कंफ्यूज हुआ। हाँ, मैंने कहा सर आप इसको रिपीट कीजिए, मैं इसको नहीं समझ। तो आप क्लियर थे और कॉन्फिडेंट थे? मैंने उसको, मैं जानता था, नहीं था उसके लिए सॉरी। ठीक है,
आपने सुना इन्होंने क्या बोला है? मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा, व्हेन समबडी स्पीकिंग सो काइंडली गिव अ फोर्थ हियरिंग, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप मेरे से ही सीखें, आपके कलीग भी एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं. सो आई नीड टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सक्सेस के ट्रैक पे चल रहे हैं. जो पॉइंट्स हम शेयर कर रहे हैं उसमें से कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं. इसी अच्छा लगता है ना, बिकॉज आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हैं, तो हमें तो खुशी हो रही है. जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसमें से जो आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं. सभी ऐड करूंगा, सभी ऐड कर. सीखने के लिए होता है, और हम एक नए स्टेप पे जाते हैं तो सीखने के लिए हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए. गॉड ब्लेस यू, गिव हिम अ हैंड माय डियर फ्रेंड, गिव हिम अ हैंड. आगे चलते हैं थोड़ा, अब इस तरफ आते हैं. सी देयर वाज अ रिच बॉय, ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग बिकॉज ही वाज रिच. So he said it is not a good idea to go and jump in the swimming pool because he was a rich people think I can do anything, na? So what he did, he bought some books on swimming. He went in the market, he purchased some books on swimming. Usme sari books usne khareed li, matlab janwar tak kaise tairte hain wo bhi khareed liye. Phir kahin se quick learning machine leke aaya, quick learning machine. वो मार्केट में आजकल बहुत सारी मशीन आ रही. सो ही प्लेस दैट मशीन एंड लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम. रूम के बाहर व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, डोंट डिस्टर्ब लर्निंग स्विमिंग. ओके, हाँ. एंड आफ्टर अ मंथ ही वॉज एब्सोल्युटली रेडी विथ ऑल द नॉलेज अबाउट. एंड आफ्टर अ मंथ ही गोज इन द स्विमिंग पूल एंड जम्प्स इन द वॉटर बिकॉज ही नोज एवरीथिंग अबाउट स्विमिंग. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. Is he coming out? No. After 20 minutes when he's dead, people are pulling him out, you know. And that becomes problem for many of the, you know, seminars and workshop. If I am going for a swimming, I should jump in the water. I cannot learn book about swimming. Because usse theoretical knowledge hoga, practical nahi aayega. Isliye the moment this project was given to me, I said I'll be happy enough to share and to make sure people are participating because जो वहाँ पे करना है उसका एक टेलर मेड वर्जन भी हम यहाँ कर पाए. मैं तो यहाँ तक करवाने वाला था, वो पॉसिबल नहीं हुआ. मैंने डॉक्टर विच को बोला था कि why don't you place a panel here so that let me see how people go and sit, how they are asking question, how they are replying, so that I can on the spot counsel and guide them. But वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट जितना हो सकता है हम उस पर काम करेंगे. एनीवे, दिस पोर्शन इज ओवर, लेट मी गेट बैक टू दिस पोर्शन. I want somebody from row number third. You can start, sir. Your introduction and why you are here, what do you want to learn, and any problem you are facing for the project you are going to complete. Sir, my name is Ramchandra Rao, sir. My DLR से आया है, sir. मैं उधर supporting staff का काम करता हूँ. मैं अभी जो promotion के लिए मैं assessment के लिए जा रहा हूँ, sir. इसके बारे में जानकारी के लिए इधर आया, sir. ठीक है, आपकी voice तो अच्छी है और आपका एक्सप्रेशन बहुत जोवियल है, आपका हैप्पी एक्सप्रेशन है. अब मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, ऐसे ही खड़े रहिएगा. अच्छा लग रहा है आपको, है? है आपको डेमो करके दिखाता हूँ. मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इंटरव्यू कैसे देना है. बात तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, लेकिन एक्सप्रेशन गड़बड़ है ना. तो याद रखिएगा, बात 7%, एक्सप्रेशन 48% और वॉइस 45%. याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं ये. इसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में जाके बच्चे से थोड़ा एक्सप्रेशन में बात कीजिएगा तो आपको याद आएगा. सो आई एम वेरी हैप्पी, योर एक्सप्रेशन इज वंडरफुल, एक्सेलेंट. नाउ एनी पर्टिकुलर चैलेंज सर यू हैव, जो आपको लगता है कि अगर ये वाला मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो मेरे को और मदद मिलेगा, यू कैन आस्क मी बिफोर आई गो इन टू द सब्जेक्ट. एनी क्वेश्चन? नथिंग. सो वी कैन यू नो, हाँ वी कैन. यस सर. Sir, myself Kishore, I am working as STA in Defense Electronics Research Laboratory, Hyderabad. I came here to improve my presentation and interviewing skills. The last part. You came here to improve my presentation and interviewing skills. In presentation, what kind of problem you feel? In presentation, when I am trying to express what I am having in my mind. Hold on. हाथ ऐसी रखिए, हाथ ऐसी रखिए. हाँ, ना यू आर परफेक्टली एक्सप्रेसिंग इवन इफ यू आर नॉट अवेयर.
look at it. Yeah. This is the only way. Hello, I'm looking for some response. Are you there with me? This is the, so sir, I'm facing problem when I'm supposed to. This is the only way to express. देखो आपको पता नहीं था ना, लेकिन आप एक्सप्रेस इतना अच्छा कर रहे हो. That's what I want to. That's what you need to do right now. ये वाला, ये. यही करना है. ये स्माइल और ये हाथ, कॉम्बिनेशन परफेक्ट है. अगर मेरे पास अभी वो यू नो क्लिक करने की व्यवस्था होती, फोटोग्राफर होता, तो मैं आपको, हाँ वो चल रहा वहाँ पे, ये एकदम ये आप देख लीजिएगा भैया पीछे. हाँ, सो ये एक्सप्रेशन, सॉरी आई एम सॉरी, योर नेम सर? किशोर जी. ये एक्सप्रेशन इज किलिंग. इट्स एनफ टू साइकोलॉजिकली इम्प्रेस द वन हु इज टेकिंग इंटरव्यू. Regarding content, I am not qualified. That you need to know. Technical content क्या है वो तो आपको पता होगा. But you are going absolutely in alignment. अब सोचो, अब यही बात मैं आपसे बिना पूछे बताता तो मामला जमता नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं आपका expression क्या है. So can we celebrate for Kishore ji? Can we celebrate? After break, we will have a presentation. और उसमें मैं कुछ नहीं, आपसे बस ये निकल कहूँगा कि आप कोई चार पॉइंट पिकअप कर लें जो आप समझाना चाहेंगे पीपीटी पे, एनी फोर पॉइंट्स जो भी आप समझाना चाहेंगे. और याद रखिएगा, यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा, वी आर ऑल लर्निंग टुगेदर. सो मुझे सुविधा क्या होगी जब आप बोर्ड पर आके वो पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव पीपीटी राइट नाउ ना, सो आपको लिखना पड़ेगा. आई कैन सी ओवरऑल योर बॉडी लैंग्वेज, आई कैन सी विथ वॉट वॉइस यू आर स्पीकिंग, आई कैन सी हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग. That will help me to understand. So, मैं recommend करूँगा after the break, जब आप लौटे तो आप मुझे अपने नाम पहले ही दे दें, सर आई वॉन्ट टू स्पीक, और राजेश जी आई वॉन्ट टू स्पीक, सो दैट मुझे किसी को फोर्स ना करना पड़े. छः सात आठ लोग भी अगर आ जाएंगे तो थोड़ा मैं यू नो इसको और प्रैक्टिकल बना पाऊँगा. अब आप कुछ पूछिए, पूछना चाह रहे हैं? नथिंग, ना यही पूछना था ना. ओके, गिव माई हैंड प्लीज. थैंक यू, गिव माई हैंड. ओके, सो लेट्स थोड़ा सा एक कॉन्टेंट जरा नोट कर लीजिए आप अपने व्हाइट बोर्ड पर. See, any interview has three part. कोई भी interview का तीन part होता है. अच्छा, सबसे पहली बात तो जरा समझ लें, interview अपने आप में word बड़ा powerful है. देखिए, ध्यान दीजिएगा, they say interview. Okay ma'am? Interview. Repeat कीजिए, inter. They never say outer view. They don't say come for an outer view. But outer view is important also. But actually it is interview. Interview. मतलब हम जानना चाहते हैं जो आपके भीतर है वो बाहर आप कैसे दिखाते हैं, इसको इंटरव्यू कहते हैं. शब्द के अंदर ही मायने छुपा हुआ है. सो कोई भी इंटरव्यू का तीन पैटर्न है. देर इज, आपको पता होना चाहिए, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज आई नो माई जॉब, आई कैन डू इट. ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता. बहुत लोग है भाई आपके अलावा भी कर सकते हैं. कॉन्फिडेंस, सर गिव मी दिस जॉब, आई नो माई जॉब वेरी वेल, सो दिस इज कॉन्फिडेंस. समबडी सेज व्हाई डू यू थिंक आई शुड सेलेक्ट फॉर दिस, आई नो माई जॉब सर, आई थिंक आई कैन, आई विल गेट इट डिलीवर, मैं ये कर दूंगा. यू नो व्हेन आई केम इन दिल्ली इन 1991, माई फादर लॉस्ट एवरीथिंग इन बिजनेस इन कोलकाता. आई एम फ्रॉम कोलकाता. And we came overnight here. I was hardly 20 years old. And within 6 months, my father died. So I had to look after my family at the age of 20. Two sisters, mom, no money. Very big problem. Delhi mein, aap samajh sakte. So I went for an interview in a company called Exporters Yellow Pages. I don't know whether you heard this company's name. But the name of the company is Exporter Yellow Pages. Wo exporters ke liye saare directory nikalte hain, jo pure world mein jaati hai. And I was novice, मतलब मुझे कुछ नहीं पता इंटरव्यू कैसे देना है, ड्रेसिंग सेंस भी नहीं पता है. आई स्टिल रिमेंबर द मैनेजिंग डायरेक्टर वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही सेड, बेटे आई कैन सी इन योर बायो डेटा, नो एक्सपीरियंस, नॉट प्रॉपर क्वालिफिकेशन एज पर इंटरव्यू, एज पर रिक्वायरमेंट, आई एम सॉरी, इवन योर कम्युनिकेशन इज नॉट गुड. कैसे तुझे मैं सिलेक्ट करूँ, समझ में नहीं आ रहा है. दी एम डी इज आस्किंग एंड आई सेड, सर most humble and respectfully I beg to state that
बिकॉज बचपन में क्लास 7 में पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऐसे लिखनी पड़ती है. सो आई रिमेंबर द आई सर मोस्ट हम्बल एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट गिव मी दिस जॉब बिकॉज आई नीड इट. मेरे घर में राशन नहीं आएगा अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली. उसमें कोई स्किल मैंने यूज नहीं की, जो था एज इट इज बता दिया. एंड टू माई सरप्राइज आई गॉट दैट जॉब. लेटर ऑन आई पिक्ड अप स्किल फलाना ढिकाना ऑल दिस लेटर ऑन आई पिक्ड अप. मेनी टाइम्स आई हैव रियलाइज व्हेन यू स्पीक विथ क्लैरिटी व्हेन यू स्पीक विथ कॉन्फिडेंट व्हेन यू नो व्हाट यू आर सपोज. आफ्टर दैट आई वेंट फॉर इंटरव्यू इन अ कंपनी कॉल जहाँ आपके यहाँ से हर रोज लेजर प्रिंटर आता था. आज मैं यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ HP यूलेट पैकर्ड जी. एंड आई वॉज इन सर्विस सेंटर. माई जॉब वॉज टू लॉग द कंप्लेन जो प्रिंटर में होता था एंड पास ऑन टू द इंजीनियर. एंड आई रिमेंबर DRDO से कितने लेजर प्रिंटर आते थे. तब मैं सोचता था DRDO मेटकैफ हाउस आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ. इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. ईयर 1993 देयर मिस्टर अप्पा राव वाइस प्रेसिडेंट HRD वॉज टेकिंग माई इंटरव्यू. आई स्टिल रिमेंबर अप्पा राव जी. शॉर्ट हाइट स्पेक. ए देखो राजेश अग्रवाल तुमको एक्सपीरियंस नहीं है टेक्निकल, कैसे हम सेलेक्ट करेगा. यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. यू वॉज लिटिल पावरफुल. आई से मिस्टर अप्पा राव आई एम टेलिंग यू आई विल डू माई बेस्ट. यू जस्ट कीप इट फॉर 1 month एंड जस्ट सी. ही सर ओके 1 month तुमको हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखता है, नहीं किया तो निकाल देगा. एंड आई वर्क देयर फॉर 2 years. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से that apart from skill when you speak with authority and clarity people appreciate. But jab hum logo ko ghumane ki koshish karte hain. Ek ladka interview dene gaya electrical company mein aur usse pucha gaya AC ki motor ko DC current se chalai jayegi to chalegi ya nahi chalegi. Chalegi to zarur, wo baat nahi hogi jo AC mein hoti hai. ab aise vyakti ko dekhiye smartness is fine, over smartness is bad. Do you agree with me? Yes. Some people and I'm sorry, मैं कभी कभी यंग लड़कों को देखता हूँ. दे गो इन एन इंटरव्यू विद जीन्स, फटी हुई जीन्स, टी शर्ट, नॉट फॉर्मल वेयरिंग. सी वी मस्ट अंडरस्टैंड कॉरपोरेट कल्चर का अपना एक तरीका है काम करने का. हम इतने कैजुअल ना हो जाएं कि हायरार्की को भी क्रॉस करके निकल जाएं. सो इंटरव्यू का एक 3 pattern है, वो पैटर्न जरा जल्दी से हम समझ लेते हैं. आर यू देयर विथ मी? है ना. सो हियर वी गो. इंटरव्यू इज अ काइंड ऑफ ट्रायंगल. जस्ट इमेजिन ट्रायंगल. और इसके 3 हिस्से हैं इंटरव्यू के. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज विल. विल साइकोलॉजिकल पार्ट. कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आपका, आई कॉन्टैक्ट कैसा है, ये सब साइकोलॉजिकल पार्ट है. आप किस तरीके से अंदर आ रहे हैं, आप डाउन शोल्डर से आ रहे हैं. ए देखिए मुझे देखिए, आई एम कमिंग इंटरव्यू. नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा. ये सब जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि हम वो गलतियाँ ना करें, बिकॉज ये रोज का काम है मेरा. नहीं होता तो फिर आपको थ्योरी में समझाता. फिर आप कैसे बैठ रहे हैं ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ. हो गया इंटरव्यू. सो आई एम नॉट सेइंग क्रॉस लेग बैठना है, बट एटलीस्ट अपना जो बैक है उसको थोड़ा चेयर से टच कराइए ताकि आप स्ट्रेट बैठ जाएंगे. जैसे बैक पीछे टच करेगा ना, बॉडी स्ट्रेट आ जाएगी. सो 90 degree एंगल हुआ, एक हल्की सी स्माइल, आई कॉन्टैक्ट. सो यू आर ब्रिंगिंग द वन हु इज टेकिंग इंटरव्यू इन योर कम्फर्ट जोन. तो सामने वाला आपसे कंफर्ट जोन फिल्म में अगर आ गया तो चीजें अच्छी होंगी, डिस्कशन अच्छा होगा. हैं सॉरी, टेबल पर भी रखे हल्का पीछे की तरफ, एकदम हल्के से रख सकते हैं. बट अगर ऐसे रख दिया, मान लो ये टेबल है, ये देखो कुछ लोग ये गलतियां करते हैं. नो जस्ट लाइक दिस. हाँ ऐसे, हाँ ऐसे चलेगा ना, क्योंकि एक हाथ बाया, अगर आप लेफ्टी हैं तो दाया हाथ ऐसे होगा बाया हाथ बात करने के दौरान अपने आप काम करेगा. अगर आप राइटी हैं तो दायां हाथ अपने आप काम करेगा, जैसे उन्होंने अभी दिखाया आपको, आपके आगे जो बैठे हुए हैं भाई साहब किशोर जी ने बात करते हुए आपको दिखाया. वो अवेयर नहीं थे लेकिन मैं जानता हूं, ठीक है ना. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू इज, जोर से थोड़ा है, मजा आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा ना. आप सब अपने मिशन में कामयाब हों. आप सबके इंटरव्यूज कब हैं, जुलाई में चल रहे हैं, और सब अपने यू नो अचीव करेंगे. और मुझे अगर क्या कहते हैं यहाँ से रिपोर्ट आए, मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमने समय जो बिताया उसका लाभ हमें पूरा मिला. सो फर्स्ट पार्ट इज विल. द सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल. ये देखो ये मान लो मैं बैठा हूँ,
ये बैठा हूँ मैं 9 ये बिल्कुल ऐसे ही रहा, ये ऐसे सिंपल अभी मैं ऐसे बैठ गया। हाँ जी सर आप बताइए क्या पूछना है। जी हाँ जी हो गया काम खत्म हो गया काम खत्म हो गया ना 2 मिनट में। हाँ एक मिनट सुन लीजिए, प्रश्न बीच में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। पॉइंटर से बता देना, हाँ, वो कैसा स्टाइल में रहना? वो मैंने बताया ब्रेक के बाद आएगा ना, वो सेशन प्रेजेंटेशन वाला ब्रेक के बाद आएगा ना। हाँ सब आएगा, हाँ प्रेजेंटेशन वाला ब्रेक के बाद आएगा है ना, उस पर हम बात पहले ये कवर कर लेते। अच्छा लग रहा है ना आपको? हैं सो पहला हो गया विल, मतलब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, वो आँखों में चमक दिखाई दे जाती है। मुझे तकलीफ होती है यंग लड़के, मेहनती लड़के, हार्ड वर्किंग, गुड परसेंटेज इंटरव्यू में ड्रॉप हो गया और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं एंड यू नो एंड आई फील पेन फॉर दिस गाइज यू। सो फर्स्ट वन इज विल, द सेकेंड वन इज स्किल, योर वे ऑफ सिटिंग बैठने का तरीका, योर वे ऑफ टॉकिंग, थोड़ा ड्रेसिंग भी उसमें आ गया, कितना जवाब देना है कि लक्ष्मण रेखा पार ना हो। आई मेड दिस मिस्टेक व्हेन आई डिडंट नो हाउ टू गिव इंटरव्यू। आई वॉज गिविंग अ इंटरव्यू इन अ कंपनी ऑफ अ पोजिशन ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड द ओनर आस्क्ड मी, मिस्टर अग्रवाल व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने अपना पहला नौकरी क्यों छोड़ा? हाँ हियर कम्स माई आंसर, सर ओनर मेरी बात नहीं समझ रहा था। The owner was not listening to me. I wanted to give some suggestion. He said, no, you are a kid. So I resigned. So the owner who was taking my interview, he said, my son, मैं भी थोड़ा अभी देर लगेगी समझने में तेरी बात, but we will get back to you. अच्छा tell me, if somebody says we'll get back to you, मतलब हो गया काम खत्म हो गया। So then I inquired from the expert what mistake I made. And the mistake I made that I was wrong in my answer. I should have said कि मुझे वहाँ एक अच्छी opportunity की तलाश थी, एक अच्छा jump का तलाश था और challenges की तलाश थी, but मैंने वहाँ पर criticism mode apply किया। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी आपका psychological test लिया जा सकता है किसी की बुराई करके। Suppose the one who is taking interview, उसने किसी का negative बात आपको बोला, वो नेगेटिव बात केवल आपका माइंड चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि आप भी नेगेटिव इंसान हो या नहीं हो। मान लो डॉक्टर विज अभी नहीं है वरना मैं तो उनके साथ मजाक भी कर लेता हूँ, मान लो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैंने डॉक्टर विज के बारे में कुछ बोला और आप हो क्या बेकार के आदमी हर वक्त ट्रेनिंग करवाते रहते हैं और आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हो और आपने कहा सर सही बोला आपने बस काम खत्म, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था आप भी अंदर में कोई एनिमोसिटी नेगेटिविटी कैरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब आप कह सकते हो सर स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा बोलना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए, यू हैव टू नो कहाँ पे कितना स्ट्रेट होना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। एक बड़ी देर वॉज अ स्टोरी, आई मस्ट टेल यू दिस स्टोरी, ब्यूटिफुल स्टोरी। द स्टोरी गोज लाइक दिस, देर वॉज अ गाय हु यूज टू ब्रिंग वुड्स फ्रॉम द जंगल, जंगल से लकड़ी रोज काट के लाता था। वन डे ही फाउंड देर इज अ यू नो एक बॉडी इज लाइंग बट दिस पार्ट ऑफ बॉडी, दिस पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट देयर, ओनली हेड इज देयर एंड द हेड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। वो सर जो था बॉडी का वो बात करना शुरू किया, कैसे हो, क्या हाल है, मिरेकल। He said, I will go in the village and tell everybody, तुम बात कर सकते हो। बोले मत बोलना प्रॉब्लम हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए बात है सबके लिए नहीं है। But he didn't listen. He invited the king also. There is a body which is not body, the lower part is not available, only head is available. And head starts talking. And the king said, अगर वो नहीं बोला ना तो वहीं तुम्हारा गर्दन काट के हम डाल देगा। He said, sir, you come with me. वो king को लेके आया, king ने बात शुरू किया है, head कुछ बोला ही नहीं, ठीक उसका गर्दन गया उसके साथ दोनों किंग वापस। अब ये पूछता है तुमने बात क्यों नहीं किया, अब वो हेड बोलता है क्योंकि मैं चाहता था मेरा भी कोई साथी हो। ये याद रखना, ये स्टोरी बड़ी मजेदार स्टोरी है, आपको उतना ही बोलना है जितनी जरूरत है,
आपने अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी, आपका करियर खतरे में आ सकता है. वी शुड बी वेरी केयरफुल. सो द फर्स्ट पार्ट इज विल. इज दैट ओके एवरीबॉडी? द सेकंड पार्ट इज स्किल. इन स्किल कम्स योर ओवरऑल ड्रेसिंग नंबर वन, योर एक्सप्रेशन नंबर टू, योर लिसनिंग स्किल नंबर थ्री, योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग नंबर फोर. आप चाहें तो नोट लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, दो चार पॉइंट ही हैं बस. एक तो ड्रेसिंग, ड्रेसिंग मतलब साफ सुथरा अच्छी लुक होनी चाहिए, बस काम खत्म. बहुत कॉस्टली ड्रेस की ज़रूरत नहीं है, यू शुड लुक गुड. एंड देन योर लिसनिंग स्किल, आप प्रॉपरली सामने वाले की बात सुने. नहीं समझ में आ रहा है, हम्बली रिक्वेस्ट द पर्सन टू रिपीट. ठीक है ना सर? मे आई हम्बली रिक्वेस्ट यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन सो दैट आई कैन डू फुल जस्टिस विद द आंसर. बहुत हम्बली, बहुत हम्बली. ठीक है. द थर्ड पार्ट इज योर ओवरऑल एक्सप्रेशन. वही ओवरऑल एक्सप्रेशन. ठीक है. एंड इन बिटवीन देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी, आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में डाला जा सकता है कोई भी मोरालिटी और एथिक्स का क्वेश्चन पूछकर. जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, विच आई डोंट नो, आई एम जस्ट शेयरिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, वॉट डू यू थिंक अबाउट मोदी गवर्नमेंट? एंड आई मस्ट टेल यू, नेवर एवर गिव एनी फाइनल जजमेंट ऑन थ्री टॉपिक्स. वन इज पॉलिटिक्स, द अदर इज रिलीजन, द थर्ड इज जेंडर. इन तीन टॉपिक पे कोई फाइनल जजमेंट मत कर दीजिएगा. सर बेकार है, बकवास, सब फालतू, ये फाइनल हो गया. आप बोलिएगा आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड आई लर्न. डोंट आस्क वॉट कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क वॉट यू हैव डन, यू कैन डू फॉर द कंट्री. सो सर ठीक ही चल रहा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ जेंडर, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, क्योंकि लोग कभी कभी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे. सो जब मैं कह रहा हूँ किस, विच मीन्स कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, दैट डज नॉट मीन यू जस्ट से. मेनी टाइम्स इन माई सेमिनार वेन एवर आई एम इन्वाइटेड, पीपल गिव मी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. सर आप इस पर बोले, सर आई विल नेवर स्पीक. आप मेरी किसी भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने कहीं कोई कॉन्ट्रोवर्शियल रिकॉर्डिंग नहीं की है. सो यू मस्ट नो वॉट टू से एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम, मेंटेनिंग योर ओन डिग्निटी एंड कैरेक्टर. सो द फर्स्ट पार्ट इज विल एंड द सेकेंड पार्ट इज स्किल एंड द थर्ड वन विच इज योर पॉइंट, जो मेरा नहीं है, इज नोन एज के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज. जिसके ऊपर आप ही को पता है, वो आपको आपके फील्ड से रिलेटेड नॉलेज में आपसे क्या पूछेंगे, आई डोंट नो, दैट आई डोंट नो. ठीक है. सो लेट अस रिपीट. वन फर्स्ट इज विल, द सेकंड इज स्किल एंड द थर्ड इज नॉलेज. हाँ प्लीज प्लीज सर सम. हाँ, ये तीन ट्रायंगल में एक इंटरव्यू ट्रैवल करता है. मैक्सिमम टाइम हमने क्या देखा है, आप अच्छी नॉलेज रखते हैं बट अगर विल ठीक नहीं है, स्किल ठीक नहीं है, तो आपके चांसेस हैं कि आपको सेकंड लिस्ट में डाल दिया जाए, डिले लिस्ट में डाल दिया जाए, बिकॉज नॉलेज के साथ ये दोनों फैक्टर भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक रिकैप कर लेते हैं कि आपको पहले सेशन में कौन सी ऐसी बात सबसे ज़्यादा अपील की, जो अगर नोटबुक ना भी हो तो आप भूलना नहीं चाहेंगे. ठीक है ना? तो रिकैप का कोई ऐसा फॉर्मल रूल नहीं है, आपको केवल हाथ उठाना है और बोलते जाना है. तो 5 मिनट का रिकैप सेशन है, 5 मिनट का. आप में से जो भी बोलना चाहे बस खाली हाथ उठाना है और आपको बताना है कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको, एक पॉइंट, दो पॉइंट, जो भी आपको अच्छा लगा. सो लेट्स हैव सम रिकैप, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँगा. ये जो अभी हमने पहला सेशन लिया, विच ऑल पॉइंट्स यू एन्जॉयड द मोस्ट, यू लाइक द मोस्ट? हाँ सी, अभी आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला, सारे पॉइंट्स अच्छे लगे. आपका जो इंटरव्यू ले रहा है आपसे, वो क्या पूछ रहा है, भैया मुझे एक या दो पॉइंट बताइए. आप समझिए, मैं बिना बताए सेमिनार स्टार्ट कर देता हूँ.
ठीक है ना, आप समझिए साइकोलॉजिकल टेस्ट। हाँ अब आप बताइए एक दो पॉइंट कौन सा बोल, बैठ के हाँ। 7% स्किल्स के बारे में सर, हाँ, और वॉइस जैसा बात कर रहा हूँ उसके बारे में, हाँ, मतलब वॉइस एक्सप्रेशन और कंटेंट, ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगा, ओके। कैसे बैठना है, नंबर टू, हाँ जी, आप इंटरव्यू के तीन हिस्से, विल स्किल नॉलेज, जी ड्रेसिंग, हाँ अच्छा। ड्रेसिंग में एक लाइन ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, कभी भी जब आप किसी से मिलने जाते हैं, वेन एवर यू आर गोइंग टू मीट एनी बडी, पहले 30 सेकंड में उसके माइंड में एक पिक्चर बैठ जाता है, कितना सेकंड बोला मैंने, कि मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगा या नहीं लगा, ड्रेसिंग का इतना बड़ा रोल है। इसीलिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं, होना नहीं चाहिए, मजबूरी है, होता है होना नहीं चाहिए बट मजबूरी है। सो आप समझिए, मैं आपको ट्रेनिंग देने आ रहा हूँ स्किल पे, और मैं खुद ही जीन्स में और टी शर्ट में आ रहा हूँ, आप मुझे रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद को लेकर ही सीरियस नहीं हूँ। इफ़ आई एम नॉट सीरियस, आप सीरियस कैसे होंगे। सो ड्रेसिंग का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग कैसी हो, पार्टी वियर कैसे हो, पार्टी में बहुत फॉर्मल चले गए तो अजीब दिखेंगे। एक पार्टी है जहाँ पे आपको एक फन ड्रेस में जाना है, ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ 3 दिन का ट्रेनिंग होता है, मैंने अभी डॉक्टर साहब को बोला कि मौका मिले तो आप मुझे 3 दिन में कुछ लोगों को आप भेजें, मैं नेक्स्ट मंथ का, उसमें हम लोगों की ड्रेसिंग पे बहुत काम करते हैं, उनको जनपद बेच के उनसे टी शर्ट खरीदवाते हैं, टाइट टी शर्ट, ताकि उनका पेट ज़्यादा निकला रहे, क्योंकि वो कॉन्शियस होंगे तो पेट अंदर जाएगा ना, तो वो जानबूझ के करवाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये हो गया, ड्रेसिंग हो गया, चलते जाइए, और कौन कौन बोलना चाहेंगे, हाँ लिसनिंग स्किल, ठीक है आप, हाँ यस यस, व्हाट यू हैव टू से, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू से, इसकी क्लैरिटी जरूर होना चाहिए। इतना ज़्यादा भी आप स्पष्ट ना बोल दें कि व्यक्ति कहे भाई आप ज़्यादा ही ब्लंट हैं, बाहर चले जाइए। सो आपको अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि हम प्रोटोकॉल को भूल जाएं। इज़ दैट क्लियर, प्रोटोकॉल है तो है। सुषमा स्वराज जी को ऐसे खड़ा होना पड़ता है तो खड़ा होना पड़ता है, एक समय मोदी जी को ऐसे खड़ा होना पड़ता था क्योंकि उस समय का प्रोटोकॉल ये था। सो आज मैं भी मोदी जी के सामने जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही खड़ा होऊंगा, मैं ये नहीं कहता हेलो मोदी जी क्या हाल है, आई कांट डू दैट, हाँ सिंपल। हम जब अपनी प्रोटोकॉल को रेस्पेक्टफुली ग्रेस के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ईगो हो जाती है और प्रॉब्लम आती है। मेरी बात क्लियर होती है, रिस्पॉन्स करेंगे। इसमें कोई ईगो नहीं लाना यार, रोल प्ले कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो, इसमें क्या सीरियस होना। 5 बजे के बाद प्रोटोकॉल से बाहर जो मर्जी आए करो लेकिन 5 बजे के अंदर तो प्रोटोकॉल के अंदर हो ना, वो रोल प्ले करना पड़ेगा। हाँ जी, और बताइए जरा, चल रहा है, आपने क्या बोला था, सॉरी मैं, हाँ ट्रूथ अप टू द लिमिट, हाँ जी, ओवरऑल इम्प्रेशन, आपकी बातों हाथों का एक्सप्रेशन, बात करना पूरा एक्सप्रेशन, सामने वाले को कंफर्टेबल फील हो ना। कुछ लोगों के पेट में कब्ज होता है, कुछ लोगों के चेहरे पे होता है कब्ज, मतलब दादा आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिपेशन, सम पीपल हैव कॉन्स्टिपेशन हियर, सम पीपल हैव हियर, दे विल नेवर स्माइल। आई रिमेंबर द डे व्हेन आई जॉइंड माय फर्स्ट कंपनी इन दिल्ली, आई आस्क्ड माय बॉस इन द मॉर्निंग, आई वाज अ 20 ईयर यंग गाय एंड आई टोल्ड माय बॉस गुड मॉर्निंग सर, अब 20 साल का लड़का तो ऐसी गुड मॉर्निंग विश करेगा ना, एंड माई बॉस सेड व्हाट इज सो गुड इन दिस मॉर्निंग, सो आई स्टॉप विशिंग हिम गुड मॉर्निंग। सो यू शुड सी व्हेन यू मीट माई फ्रेंड डॉक्टर विज, यू फील वेरी हैप्पी, जोवियल, एनर्जेटिक, जॉय, फोन हाँ हो गया, डन, एनर्जी चल रही है। सम पीपल आर डेड, एब्सोल्युटली डेड, हाथ मिलाओगे हाथ गिर जाएगा नीचे, यू नो। चलिए नेक्स्ट, और बोलिए कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा अभी, वो हम 5 मिनट का रिकैप कर रहे हैं, 2 मिनट और बाकी है। एनीबडी, हाँ, हेड चैनल, थ्रोट चैनल, हार्ट चैनल, यू मस्ट स्पीक फ्रॉम हियर एंड सम टाइम हियर, अथॉरिटी नॉट नीडेड इन इंटरव्यू, आफ्टर इंटरव्यू इट इज नीडेड। चलो नेक्स्ट, एनीबडी एल्स, एटीट्यूड हैज अ बिगेस्ट रोल टू प्ले, यस मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग, एनी पॉइंट विच यू लाइक्ड, I'm so grateful to you, man. She is like, can't find out any अच्छा, you can't. Any particular you think, this one I have to implement, ये मेरे को help करेगा, any point, particular point, yes. वो आप share कर सकते हो। Actually, I have problem with
problem in speaking. Haan. That's why I am finding it more relevant. Okay, let me guide you, ma'am. Why I provoked you to speak, you know? I wanted to feel how you speak. आपने देखा, मैंने आपको बोलने के लिए मजबूर किया. क्यों? क्योंकि मैं महसूस करना चाहता था आप कैसे बात करती हैं. अब मैं आपको गाइड करूं? हाँ. ऑलवेज रिमेंबर मैम, इफ यू ट्राई टू कन्विंस समबडी यू विल हैव अ प्रॉब्लम. हेलो. अगर आप किसी को कन्विंस करेंगे आपको स्ट्रेस आएगा. अगर आप शेयर करेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे. सो काइंडली शेयर, डोंट ट्राई टू कन्विंस. क्लियर हो रहा है तो रिस्पॉन्स कीजिएगा. आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू ना. और व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम शेयरिंग एंड आई एम रिलैक्स्ड. इफ आई ट्राई टू कन्विंस यू, आई विल बी टेंस्ड, आई विल बी स्टिफ. सो व्हेन यू टॉक, ट्राई टू शेयर एज यू शेयर जस्ट नाउ. एंड समटाइम शेयरिंग बड़ा रोल प्ले कर देती है, कन्विंसिंग रोल प्ले नहीं करना पाती है. सो ये आपके लिए है, है? ठीक है. ओके. हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, पॉइंट्स. कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, कॉन्फिडेंस मतलब आई नो माई जॉब, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब आई कैन ओनली डू. याद रहेगा ना, आई कैन ओनली डू. अभी अभी हम लोग प्रेजेंटेशन में एंटर करेंगे. आपको एक काम करना है, आपको ध्यान देना है, आपके बगल में एक पार्टनर होना चाहिए. जैसे जैसे विश साहब, कुछ लोगों को आगे बुला सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे चेयर खाली है. तो जो पीछे हमारे फ्रेंड बैठे हैं, आप लोग आगे आ जाइए. हर एक के पास एक पार्टनर की जरूरत है. पार्टनर जैसे एक जने जने. हाँ, एक पार्टनर चाहिए क्योंकि एक्टिविटी है. कुछ लोग चले गए यहाँ से या देर से आएंगे, आई डोंट नो. हाँ, अच्छा, ये लेट, ये पैड मैडम का है शायद, यहाँ जो बैठी हुई थी. मैं ये यहाँ रख देता हूँ. अभी देखिए ध्यान से. ओ अच्छा, इवन नंबर्स में चाहिएगा ना. और मैं देखता हूँ कहाँ एडजस्ट हो सकता. अच्छा, वहाँ पे ठीक है, वो रो ठीक है. ये चार प्लस दो, यहाँ तीन. अच्छा, दो दो दो, ठीक है. दो हो गया, हो गया, हो गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया. देखिए, जो पीछे की रो है, आपके पार्टनर ये हुए, आपके ये, आप दोनों पार्टनर. क्लियर हो गया? आप दोनों, आप दोनों. दादा, सारा काम करके जाऊंगा, चिंता ना. अभी अभी खाली. नहीं, लैब पे जरूरी नहीं है. अरे, जितना कंफर्ट जोन के बाहर रहो उतना अच्छा है. हाँ, अच्छा, ये दो हो गए, आप दोनों हो गए, आप दोनों पार्टनर हो गए, आप दोनों हो गए, आप दोनों, आप दोनों, आप दोनों पार्टनर. ठीक है, आप इधर. हाँ, इधर आ जाइए, बढ़िया रहेगा. हाँ, इधर आ जाइए. ठीक है, थोड़ा सा चेयर बस ले आए. हाँ, थोड़ा सा. अरे, पार्टनर चले जाएंगे तो हम कैसे. हाँ, अच्छा. हाँ, अपने अपने पार्टनर के थोड़ा करीब आ जाइए. और एक चेयर चाहिए मुझे पीछे से. एक चेयर भाई साहब दे देंगे जरा मुझे, कोई भी एक चेयर दे दीजिए. हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है. नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो प्लेन है, प्लेन, प्लेन. अच्छा, प्लेन कोई नहीं है. ओहो हो, तब तो मैं यहाँ से ले लूँगा, तब तो यहाँ से ले लूँगा. ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है. यूएस में एक रिसर्च हुआ जहाँ 100 राइटर्स को बुलाया, ऑथर, और उनको बोला जो किताब आपने लिखा है उसको 10 मिनट में बोल के सुना दो. एक किताब मैंने लिखी तो लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी वो किताब का समरी कितने मिनट में सुनाना है? 90% लोग नहीं सुना पाए. क्यों बताओ? सोचिए और बोलिए, जवाब दीजिए. हाथ उठा के, हाथ उठा के. हाँ, कौन बोलना चाहिए? अच्छा. इट इज नॉट इजी टू कंसोलिडेट. अच्छा, अच्छा, बुक तो एक दिन में नहीं लिखा गया. और सोचो. अच्छा है, लेकिन और सोचो. बताऊं एक लाइन में, वो लिखने में एक्सपर्ट थे, बोलने में नहीं थे. सिंपल. अपने ज्ञान में एक्सपर्ट थे, स्किल में एक्सपर्ट नहीं थे.
और क्या हुआ, जो सुना पाए उनके लिए तालियां पड़ी, जो नहीं सुना पाए उनको कौन सा अवार्ड मिलता है पता है? कंसोलेशन अवार्ड मिलता है, सांत्वना पुरस्कार मिला उनको। और मैं कभी भी कंसोलेशन अवार्ड लेना नहीं चाहूंगा, वो सिंपैथी अवार्ड होता है, हमको तो जीत का अवार्ड चाहिए। Am I right? Say yes loudly. Yes, yes, sir. मैं रिसर्च का आपको एनालिसिस दे रहा हूँ भैया, मैंने नहीं किया है, एक्सपर्ट ने किया है, तो हमारी मजबूरी इस पर डिपेंड करना पड़ेगा, वो अभी समझ में आ जाएगा अभी जब बुलाऊंगा तो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अगर आप बोलने में एक्सपर्ट हो, लिखने में नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा टैलेंटेड प्रधानमंत्री भी भारत में होंगे, टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन 450 रैली बोलने की शैली, 450 रैली बोलने की शैली इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। वो ना टैलेंटेड तो बहुत है। तो जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, आप देखेंगे जिनकी बोलने की क्षमता या हुनर ज़्यादा अच्छा रहा वो आपको ज़्यादा अपील करके चले गए। तो आप देखेंगे आज की डेट में बोलने की शैली पे बहुत काम हो रहा है, स्कूलों में काम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में काम हो रहा है। अच्छा, आपके स्कूल और कॉलेज में याद कीजिए, जो टीचर सबसे अच्छा आपको डिलीवरी करके सब्जेक्ट समझाती थी वो आपको याद होगी, और जिसके पास नॉलेज है लेकिन समझाना नहीं आ रहा है वो आपको याद नहीं होगी, कभी भी याद कर लीजिएगा। तो हम एक छोटी एक्टिविटी करेंगे, प्लीज़ सीरियसली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पहले 5 मिनट मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से अभी पूछा, आई आस्क्ड हिम कि आपको इंटरव्यू में क्या बोलने के लिए कहा जाएगा, एक बार हम फिर से पूछते हैं ताकि आप कन्फर्म हो जाओ और मुझे आप कन्फर्म करना, डॉक्टर साहब इनको क्या कहा जाएगा जब ये खड़े होंगे। लास्ट 5 साल में जो काम किया है उसको 10 मिनट्स में बताओ। ठीक है, आपको पिछले 10 साल में या 5 साल में जो काम आपने किया है वो आपको कितने समय में बताना है? मेरी भाषा में 600 सेकंड में। 600 सेकंड इज इक्वल टू 10 मिनट। स्वामी विवेकानंद को शिकागो में 2 मिनट मिले थे, मतलब आप उनसे कितना आगे हो सोचो, और उन्होंने 2 मिनट में पूरा अमेरिका को हिला दिया था, याद है ना 1893 शिकागो का जो लेक्चर उन्होंने दिया था। मेरा मानना है 10 मिनट तो बहुत है, बोलने वाला 1 मिनट में हिला सकता है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में काम करता हूं। तो आप कल्पना करो आज वो सेशन है और आपको आज बोलना है, इमेजिन करो, है प्रैक्टिकल थोड़ा करवाएंगे तो मजा आएगा। और आज का टाइम 10 मिनट तो दे नहीं सकते, आज आपको 1 मिनट मैक्सिमम अपनी बात करनी है, जो इन्होंने टॉपिक बोला कि 5 साल में जो आपने काम किया है वो आपको 1 मिनट में समझाना है। कैसे समझाओगे, क्या बोलोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खाली आपको ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद मैं आपको फीडबैक दूंगा, कैसा रहेगा? जोर से बोलिए। कुछ लोग चुप हो गए पता नहीं क्यों। सर ये मत करवाइए सर, प्लीज सर, सर आप बता के घर चले जाइए, हम मैनेज कर लेंगे सर, ये मैं नहीं करने वाला हूँ। आई एम अ कोच, मैं आपको पानी में जम करूँगा, आप करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, ना डॉक्टर साहब आपको जज कर रहे हैं, ना यहाँ पर कोई किसी, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपको पहले 5 मिनट में आपको देता हूँ, पॉइंट्स तैयार करके नोट करेंगे आप एक वाइट पेज ले लीजिए, उसमें आप जो भी 4, 5, 6 पॉइंट कवर करना चाहते हैं अपने बारे में, 5 साल में आपने काम किया, एक उसका समरी हल्के से पॉइंट वाइज। 5 मिनट के बाद हम एक डमी सेशन करेंगे, मत पूछो, जो तुमको ठीक लगता है, जो आपको लगता है मत पूछो। हाँ, मिनट टू स्पीक। हाँ, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो मदद हो जाएगी आपकी, आई डोंट वांट टू हेल्प यू। आपका आज वो इंटरव्यू है, आपको द वन हु इज टेकिंग इंटरव्यू उसने कहा है भाई आप आइए, प्रेजेंटेशन आप दीजिए अपने बारे में जो 5 साल में आपने काम किया है। डमी नहीं करवाएंगे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। सी, मैं 2 मिनट में आपको लिखवा सकता हूं क्या करना है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। जब तक आप में से 5, 6, 10 लोग नहीं बोलेंगे, मैं आपको फीडबैक नहीं दूंगा, उस पर काम नहीं होगा। अभी तो आपको लिखवा, अभी तो लिखना, अभी लिखने पे ध्यान दीजिए, कैसे खड़ा होना है, क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दीजिए, आप खाली आपको लिखना है क्या बोलना है, वो कंटेंट लिखना है। नहीं, नहीं।
you have to speak in English. Doesn't matter, sir. Speak in English. No, I don't know English. Oh, what I'm saying that, imagine today is the day where you are giving your interview. And the person who is taking interview is asking you to come in front and speak for 10 minutes about you, what job you have done in last 5 years. Same 10 minutes I have converted into 1 minute. So in 1 minute you have to speak about yourself. In last 5 years, what all you have done. We are not here to judge you. We are not here to evaluate you. We are just here to guide you so that you shouldn't make any mistake when you are going for the interview. मैं पानी की बोतल भुलाया आपने. अच्छा अच्छा ठीक है, वहीं पर टेबल पे रखी है. ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 1 मिनट का है बस, ओनली 1 मिनट. जो रेडी हो जाए. हाँ, आपके मन में केवल एक ही बात चलनी चाहिए, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट. बस एक ही वर्ड चलना चाहिए. कितना कैसे बोलना है, क्या बोलना है, फॉरगेट अबाउट इट. जस्ट मन में ये सोचना है मैं अपना बेस्ट डिलीवर करूंगा. अब मैं अपना कोट निकाल लेता हूं क्योंकि जो इंप्रेशन मारना था वो तो मार दिया है ना जी. ये वाला थोड़ा सा एक मिनट जरा, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी लगेगी ना, मैं जरा एक्टिवली काम कर रहा हूं. अभी इसको लगा दीजिए. डॉक्टर साहब पॉकेट में रख लो, चलेगा. अच्छा, रेडी है? ठीक है, रेडी होते जाइए. 5 मिनट टाइम है, अभी 2 मिनट हुआ है. यस सर. इधर लग जाएगा क्या, पीछे लग जाएगा. हाँ, वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में. ठीक है, थैंक यू सर. I must tell you, when I started my speaking career, I was looking all my notes. जब मैं बोलता था तो मैं नोट्स देख के बात करता और ऑडियंस भाग गई. और उसमें से जाते जाते एक ऑडियंस बोली, जब तैयार हो जाइएगा बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे. बट मेरे ट्रेनर ने कहा डोंट गिव अप, कोई बात नहीं, बेइज्जती सहो, बोलो. और आज 160 देशों में हमारे सब्सक्राइबर हैं, पूरे वर्ल्ड से 160 कंट्रीज. अभी हमको मौका बोलने की वजह से मौका मिला कि यूएस में जाके ट्रेनिंग देकर आए. एक इंडियन जाके बाहर में ट्रेनिंग दे तो अच्छा लगता है. उधर से तो ट्रेनिंग लेते हैं पर उनको ट्रेनिंग दिया जाके, सो आई फेल्ट सो गुड. सो आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा, फिर देखिएगा कितना मज़ा आएगा. कौन कौन रेडी हैं आप में से, हाथ उठा दीजिएगा जरा. 1 2 3 4 है, मैनी, वेरी गुड मैनी. हमारे पास 4:30 का डेडलाइन है, उसमें हमको ख़त्म करना है क्योंकि फिर हमको और भी कहीं जाना है. ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेते हैं, 1 घंटे का बस. जिसको 1 घंटे में समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया. एनीवे, चलो, आर यू रेडी? नहीं, आई एम नॉट हैप्पी. आर यू रेडी? यस सर. थोड़ा सा देखो स्पीक. अच्छा, पार्टनर आपका? यस सर. आपका पार्टनर गायब भैया? अच्छा, कहीं गए. ठीक है, अभी कैसे करें? चलिए, आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए. आप दोनों के, हाँ, दोनों के साथ एडजस्ट कर लें, साथ ही हाथ बढ़ाना रहे. टीम वर्क इज ऑलवेज गुड बिकॉज यू गेट अ चांस टू ब्लेम द अदर पर्सन. अरे सर सर सर, आइए आइए बैठिए. अच्छा लिसन, अब आपको थोड़ा एक काम करना है. आप दो लोग में से एक का नाम होगा करेजियस, एक पार्टनर का नाम होगा courageous. जोर से courageous. और दूसरे पार्टनर का नाम होगा कॉन्फिडेंट. तो आप आपस में फाइनल कर लीजिए किसको करेजियस बनना है, किसको कॉन्फिडेंट बनना है. अभी बात करके फाइनल कर लीजिए. हो गया? आप में से कौन करेजियस है, कौन हो गया? हो गया फाइनल? हो गया मैडम, आप क्या बनी? कॉन्फिडेंट. ठीक है, इधर 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 इधर, अभी एक्टिविटी चालू है. हाँ,
कोट पहन के सब नहीं हो पाता है, समझे ना। अभी मैं आपको बोलूंगा आर यू रेडी, आपने देखा मैं जरा आर यू रेडी बोला तो मेरा वॉइस कहाँ से आ रहा है ना, जरा फॉलो कीजिएगा इस समय। अभी मैं आपको बोलूंगा आर यू रेडी, तो आप सब बोलेंगे आहा। अब ये आहा यहां से नहीं आना चाहिए, पेट से, पेट से। सो हियर वी गो, आर यू रेडी। हाँ, ब्लॉक हो रहा है ना, आ नहीं रहा ना, क्योंकि हमने कभी अपना पूरा पोटेंशियल यूज नहीं किया। फिर से ट्राई करेंगे, आर यू रेडी। हाँ, अभी पांच बार बोलेंगे, मैं एक बार आर यू रेडी बोलूंगा, आप पांच बार आहा बोलेंगे, और हर आहा पहले आहा से थोड़ा बेटर, ठीक है। हियर वी गो, आर यू रेडी। गुड 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 गुड। सी, सारा गेम वॉइस का है, सारा गेम वॉइस का है। आई एम टेलिंग यू, कंटेंट वाले क्यों मार खा जाते हैं, यू नो कंटेंट इज गुड, बट बिकॉज द वॉइस इज नॉट एडेड विद द कंटेंट। एंड वी ऑल हैव वॉइस, ओनली थिंग हमको जरूरत नहीं पड़ता रोजमर्रा के लाइफ में, वी डोंट ऐड, बट जस्ट ट्राई एंड सी व्हाट हैपेंस। व्हेन यू स्पीक विद क्लियर वॉइस, गुड आफ्टरनून सर, नाइस मीटिंग, व्हेन यू एंटर फॉर एन इंटरव्यू एंड यू जस्ट गो गुड आफ्टरनून सर, इसमें कौन सा क्या प्रॉब्लम हो गया, खड़े हो गए ना, देखो हैं, बैठिए, थैंक यू। एंड बट इफ यू एंटर लाइक दिस, ओ मैम शी इज हियर, आइए। ओ मैम योर ये इधर है, इधर आपके यहाँ पे जी, ओके, हाँ आइए इधर आइए, हाँ आइए। सो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। व्हेन यू एंटर फ्रॉम हियर लाइक दिस, हेलो हेलो, gone, there was a moment in my life when my boss, who was a brigadier, retired brigadier, aur main unse itna darta tha ke chamber ke bahar I used to do like this, because the problem with my boss was jab main enter karunga to bole, अभी 23 साल का लड़का को आप अगर ऐसे करेगा तो उसका तो करियर खत्म ना, तो मुझे डर आ जाता था। देन आई टुक ट्रेनिंग, वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनिंग, हाउ टू एंटर इन द चैम्बर, एंड दैट ट्रेनिंग टॉट मी, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, दैट ट्रेनिंग टॉट मी दैट नॉक द डोर, मे कम इन सर, अर्लियर मे कम इन सर, वो तो पहले ही मर गया मैं, अब समझ में आ रही है आपको, मे कम इन सर, yes yes come in, oh my god he changed his voice because I changed my voice, and when I enter, good afternoon sir, and my boss, pehle aise abhi aise, I said yes sir, what, from where you are coming, I said I was on a leave sir, that is fine but change kaise, I didn't tell him ki maine aapko handle karne ka training liya hai. But I took 7-day course to present myself properly. I repeat, my friend, people will salute you if you know how to present properly. That's the way life is. और अभी वो private sector, public sector बोल के कुछ नहीं रह गया, अभी सब corporate sector बन गया है, अभी सबको एक अच्छा look, professional तरीके से काम करने का मजा आने लगा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, आप थोड़ा ये मिस कर गई हैं अभी जो मैंने करवाया, तो वो आपको समझा देंगे आपके साथ जो बैठे हैं। मैं आपसे फिर पूछूंगा क्या, आर यू रेडी हैं, और आपको फिर बोलना है क्या, लेकिन अभी आहा बोलते वक्त हाथ का यूज करना है, तो आवाज और ज्यादा होगा, ठीक है, ट्राई करो चलो, ठीक है, पहली बार डमी होगा फिर पांच बार होगा, आर यू रेडी, आवाज आया ना ज्यादा, आया ना है, बिकॉज मैं आपका वॉइस को ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूं, अभी पांच बार आहा बोलना है, आर यू रेडी, देखा आया ना, इसी पेस को मेंटेन रखना इंटरव्यू तक, सारा खेल इसमें छुपा हुआ है। अभी वर्ल्ड के सारे बड़े लीडर मिलते हैं, डेवोस में मिलते हैं, G7 समिट में मिलते हैं, सार्क मीटिंग, आपने देखा सबकी बॉडी लैंग्वेज देख, सब अब चेंज हो गया है, बड़े बड़े लीडर्स की एक्सप्रेशन बदल गए, तो मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब क्या है।
अब ध्यान से सुनिए, अब एक बार फिर मैं आपको बोलूँगा आर यू रेडी, और एक बार फाइनली आप आहा मुझे बोलेंगे, और जब आप आहा बोलेंगे तो मैं आपको बोलूँगा गो। क्या बोलूँगा मैं? गो। थोड़ा जोर से गो। हाँ, ये जब मैं आपको गो बोलूँगा तो एक पार्टनर का नाम करेजियस है, ठीक है? कौन है करेजियस? करेजियस वाले हाथ उठाएं, ठीक है? अच्छा, अच्छा वो करेजियस है। नहीं नहीं नहीं, उनको बाद में आप बन जाओ, क्योंकि वो लेट आए हैं, उनको पता नहीं है मैंने क्या करवाया है, अभी आप बनो। हाँ, आप इन दोनों को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक पार्टनर का नाम करेजियस है और एक का नाम कॉन्फिडेंट। तो जब मैं गो बोलूंगा तो करेजियस कॉन्फिडेंट सब खड़े हो जाएंगे, जैसे ही मैंने बोला गो आप सब खड़े होकर बोलेंगे आहा। और जो करेजियस है वो कॉन्फिडेंट को जो पॉइंट लिखा है उसको सुनाएगा, वो जो पॉइंट वहां लिखा है आपने, जो आपको यहां सुनाना है वो करेजियस जो है अपने पार्टनर को सुनाएगा। और जब मैं बोलूंगा टाइम ओवर तब बैठना है, उससे पहले नहीं बैठना है, आप खाली ऑब्जर्व करेंगे, आपका टर्न बाद में। हाँ, लेट मी रिपीट फॉर यू एंड फॉर यू। द मोमेंट आई विल से आर यू रेडी, यू आर गोइंग टू से व्हाट? आहा, राइट? द मोमेंट आई से गो, ऑल ऑफ यू विल स्टैंड अप। Those of you who are courageous will say, I am courageous. And those of you who are confident will say, I am confident. And the moment I say start, all courageous will deliver their written presentation to their partner confident. In how many minutes? 1 minute. 1 minute. And loudly. And when I say time over, then only you will sit down, not before that. I hope it is clear. In the next round, the other partner will speak, and the partner who spoke, he will listen. Not now, next. Oh, baad mein time aayega. But for God's sake, don't speak like this. In last 5 years, you know, in last 5 years, what I did, you know, I'm... Don't say like this. I don't want any whispering. I want... yeah. I want a presentation. And I'm telling you, अभी आपको पता नहीं पड़ेगा, but the day you will go for an interview, and the day they will ask you to stand and speak, you will remember me, I promise. You will remember that day. And you will recall, मजा आ गया। वो session ने थोड़ा था, लेकिन उसने मुझे एक technique सिखा दी है। ठीक है? Done? Everybody? Yes, sir. Let me repeat. First, I'm going to ask you, are you ready? You all will say what? Aha. Then I'll say go. So, all courageous and confident will stand up and they will say, I am courageous. And those who of you who are confident, they will say, I am confident. And then I'll say, start. When I say start, all the courageous will give their presentation to whom? Confident. Confident. And you will observe, because you came a little late. And after 1 minute, I will say, time over. Then all of you will sit down. And then in the next round, confident are going to speak and courageous will listen. And then I will select few people who will come and speak from here. That will be a right presentation. And you will understand the power of presentation. I am telling you, this is a lifetime opportunity. I am so grateful to DRDO ki mujhe mauka mila aapko. Abse pehle aate the kya? Lecture diya chala gaya. Abhi coaching karne ka mauka mila hai. Aaj pehla real mauka mujhe aaj mila hai. Abhi aaya, finish. Taali wale kar gaye. But actually, I am a coach. And I love to coach people. So this is the one I always wanted to coach. So I'm grateful to DRDO. Here we go. Are you all ready? Aha. Installment mein aha mat boliye. Aha. Are you all ready? Aha. This is the one. Okay. Ek bar fir karte. Are you all ready? Aha. Okay. Go bolte hi. I am confident. I am courageous. And when I say start, all courageous will speak. And confident will listen to their partners only. Nobody else. Here we go. Hans, are you all ready? Aha! Go! I'm confident. Start! Now start. I'm going to go to the next one.
Sit down, please. Time over. I will not tell you my observation now. I shall reserve my comment, okay? I shall reserve my comment for some time because, just to help you, some of you were standing like this and talking. In the last 5 years, I am going to present what I have done. It's called lampo speaker. Hands were not working, expressions were not working. I don't want aap mein se jo confident, don't repeat these mistakes. Expression, how many? How much? Overall expression? 52. Remember that. So now the time has come. Conferreds are going to speak. And who will listen? Courageous will listen. Same pattern. Abhi nahi. Main bolunga tab. हाँ एक जिसने बोल जो बोल लिया अभी वो नहीं बोलेगा वो सुनेगा सुनेगा लेकिन इनका हम बोलेंगे हम अपना बोलेंगे नहीं नहीं आपको अपना बोलना अपना बोलना ठीक है नहीं नहीं क्वेश्चन अरे सब क्वेश्चन मैंडेटरी है यहाँ गलती कर लो उधर चांस ही नहीं है करने का हाँ सो अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू आर यू रेडी योर आंसर इज आहा देन आई विल से गो आई एम कॉन्फिडेंट आई एम करेजियस एंड नाउ हु विल स्पीक हियर वी गो Are you all ready? Go! I'm confident. Start. Abhi hai time. All right, time over. Time over. Thank you. Please understand, many of you gave up only after 20 seconds. You see, my stopwatch is working here. Stopwatch kaam kar raha idhar. अभी 10 मिनट में अगर आपने 1 मिनट में मामला ख़त्म कर दिया तो गड़बड़ हो सकता है याद रखना बस खाली गाइड कर रहा हूँ आपको ठीक है अच्छा अभी एक राउंड और करेंगे दैट्स इज कॉल्ड कोचिंग योर पार्टनर अभी हम आपसे फिर पूछेगा आर यू रेडी आपको क्या बोलना है आहा अभी बोलेगा गो में आपको खड़े नहीं होना है बैठ के बोलना है आई एम करेजियस आई एम कॉन्फिडेंट फिर हम आपको बोलेगा स्टार्ट तो अपने पार्टनर को आपको बताना है कि उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहेगा You are going to guide your partner. What kind of improvement you wish to see in your partner? And similarly, the partner will also guide you. So, ye 20 second ka guiding round hai. Is that okay? Yes, this is fantastic. Yes, you are learning and coaching both. Okay? So, are you ready? First time you start. Encourage people to start or can't people start? Anybody can start. Koi hard and fast. Isme koi rule nahi hai. Are you all ready? Aha! Go! हाँ एंड नाउ यू स्टार्ट एक चेयर और लगेगी चेयर बस टाइम ओवर नाउ द गेम स्टार्ट्स हाउ आर यू फीलिंग गुड नाइस हाँ गुड
Now, I need a small paper, please. Just a paper. Now I want first five people who are feeling from inside that, sir, I can, I want to speak. Give me a chance. First five people, because you need to give me the names. So all those who are ready, first five, you can raise your hand. I will just choose. Raise your hand. Yes, sir. Kishore. Just a moment. Haath utha ke rakhiyega. Kishore. Ah, so many of you already. I'm so happy. Good. All right. Naresh. Very nice. I'm coming to you. Rajiv. Keep going. Yes, sir. How do you spell? V-E-L-U-M-A-L. V for initial. Now this is very important. Aage aap, baithi, piche baithi. And how do you pronounce your name? Elumalai. You must have observed, I asked his name, but for some reason I couldn't get his name. So what I did? I asked him to write his name. I wanted to make sure that I must pronounce his name correctly rather than making any mistake. Because for him, his name is very important. And this mistake we do in our interview. Somebody is telling something, we don't get that, we pronounce wrongly, and the one who is taking interview doesn't like. Got it? Small mistake, big blunder. Small mistake, big blunder. Okay? Thank you, sir. Raise your hand. Sorry. Oh, I'm coming. I will list. Are yes. B. Mastan Ayer. Mr. Ayer? Mastan Ayer. M-A-S-T-A? Yes. N-B hai? Mastan Ayer. Not Ayer, sir. Mastan Ayer. M-A-S-T-A? Yes. Oh, Mastan Maya. Naya. Boat. Naya. Mastan Naya. I got my first five people. I will mention the name of the person and the person will come and sit here. Here. And when I say go, the person will come and take the whiteboard marker, will stand here, write the points and talk. You cannot say, let me write the points first and then I will talk. You talk and write the points. Right? If you feel no, today PPT is not available, can I just talk? No problem. Oh, not more than 1 minute, I'm sorry. I have my problems, not more than. Because this is just a small test to feel, to understand. If you have crossed 1 minute properly, you will cross next nine minutes also. And just a feel. See, let me repeat. Suppose you are going to speak on four topics. You start your presentation, you are writing and explaining. You feel no, time is less, so let me just speak without PPT. That is also okay. Because after the presentation, I am going to tell you that when you use PPT, you will be standing there. So leave it to me. Is that okay? Yes, sir. So don't bother about PPT. First is your speech. I have seen that people's PPT is very good, speech is bad, it is bad. So I am not very much concerned about PPT. I am more concerned about your voice. Your delivery. PPT to baad mein ho. PPT is 10%, you are 90%. Got it? So forget about PPT, that I will guide you. Kaise karna hai? Kis angle mein laptop hoga? Kis angle mein aap khade honge? Kab press karna hai? Pointer? Pointer kaise use karna hai? Woh sab main last mein bata dunga aapko. Don't worry about it.
5 मिनट का काम. रेडी? सो गेट रेडी टू इनवाइट आवर फर्स्ट स्पीकर टुडे इज मिस्टर किशोर. गिव हिम अ हैंड. मिस्टर किशोर हैव अ सीट. ओनली रिक्वेस्ट, वी आर नॉट हियर टू जज हिम, वी आर नॉट हियर टू इवेल्युएट हिम, वी आर ऑल हियर टू हेल्प हिम. ही इज ऑल्सो हियर टू हेल्प अस, राइट? विल ऑब्जर्व हिज प्रेजेंटेशन एंड देन लिव इट टू मी, आई विल गिव यू सम फीडबैक ऑल्सो. यू हैव अ चॉइस टू यूज दिस और नॉट दिस. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. यू कैन स्पीक विदाउट यूजिंग दिस. हाँ, नो प्रॉब्लम. हाँ, सो मिस्टर किशोर, योर because I am using my. Not having any objection to if I carry this. No problem. From. I am more comfortable. From my side, no problem. Okay. I am following stopwatch. Exactly after 1 minute, I will say time over and will clap. Okay. Right? Come in the center. Here we go, Mr. Kishore. Start. Good evening, all. I am Kishore, STAB from DLRL Hyderabad. Here I would like to present my PPT. Sir, first one is digitization of dark system. In DLRL, we are following a centralized dark system. In centralized dark system, we are receiving different letters from different sources in various channels like fax, drona, internet, by hand, by post. All letters we are receiving in director office first. After that, we are properly targeting them, and through staff officer to director, we are putting to director. After director's assignment, we are sending to concerned officer for necessary action. Whatever letters we are receiving, we are keeping a database of the same in director's office also for future reference. Next is right to information act. Before joining to director office, I was worked with CPIO. CPIO means Central Public Information Officer. He deals with the RTI applications. We are receiving applications and RTA Act from different people. So, but in DRDO exempted for RTA Act under Section 24(1), except if human violations and corruption charges. For other information, we need not to give because we are a classified department. Time over. I'm sorry, but time over. Thank you, sir. Come in the center. How did you like the presentation? Very good. So if you are the one who is taking interview based on his presentation, would you think about picking him? Yes. ठीक है, समझ में आ गया. अभी आपको मैं थोड़ा फीडबैक दे दूं, अच्छा रहेगा. That is more important. Now, whenever you are using whiteboard, yes, sir. Never ever show your back. Okay, sir. Okay. Hmm? Always stand in this angle. Okay. So you are using here, writing. See, the moment there is a gap between your expression and people, there will be a vacuum. Okay. And when there is a vacuum, people will feel down. Finish. So step one, angle is like this. You can write small and explain. Writing is less important. Your expression is important. So 2 points for you, not to show your back, okay. And not very much back, gap shouldn't be there. While writing, sir? While writing, keep talking. Okay. So what you have done? You were writing and talking here. Okay, both we have to maintain. Yes, that this alignment, maintaining the eye contact, writing and talking, so that you are not allowing even for a second to wink their eyes. Yes, that's the key. Okay? Give him a hand. I will note down, sir. Thank you. Well done. Give me this. Thank you. A big hand for Mr. Kishore. Well done. Well done. Now my next speaker. Get ready. Mr. Ilu Malai Saab. Give him a hand, please. Give him a hand. Yeah. Please come. We can just... without microphone. Yes. So you stand in the center, sir. Wait. Wait. Your time starts now. Good evening to all. I am Yerumale from RIC IITM Research Park, TOB. Previously I was working CVRD. I shifted to RIC. There I look after stores and as well as technical work. So in technical work, I have established so many instruments and machineries. So physiotherapy characterization and boom wood
characterization. In addition, I have look after stores, so I am getting the demand from the various section. In that, I process everything and make a tender and other things. Then I prepare the TPC meetings, conduct the TPC meeting and prepare the minutes. And then I prepare the supply order. And then I send it to audit for concurrence. After getting the concurrence, I post it to concerned supplier. Then getting the item and posting and everything, ledger and everything entered. Then I make the payments for the bill and everything. Then finally, I close the file. How beautiful, isn't it? How beautiful. How are you feeling now? I don't know, sir. You have to tell me. No. You are feeling good or bad? You are feeling good. How are you feeling? Because you know him, you have been watching him. I just saw him for the first time. But are you finding him confident? Yes. Yes. You did a fantastic job, sir. You know why? You almost touch each point in 1 minute. That's fantastic. Miracle. So congratulations. In only in one area you need to do some homework. That is your expression. This is the... This is exactly. Remember this expression, right? Okay. Only in one area. Otherwise, your brain functions in an organized way. That's the good point for you. Absolutely organized. Okay. And if you are using laptop, you can come here. If you are using laptop, so sometimes what happens, people press the point and wait till the time that point appears and then they talk. And there is a gap. Don't give any gap. So while you are giving your point, let's say you are speaking. So keep on operating the laptop also. Keep on talking. Not big gap, because gap diffuse the energy. Have I explained, sir? Huh? Because if you say, let me just press. Now let me go to the next point. Now this, that much of gap is huge to bring the energy down. Wait. But you know now the second point, what is going to come. इसका मतलब हमने review नहीं किया है. अगर हम review बिना किए जाएंगे, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद. 21 बार presentation को review करना है. घर में, at your home. You will see the presentation and review how many times? 21 times. So, वो problem नहीं आएगा जो आप बोल रहे हैं. वो नहीं आएगा. आपने अगर gap दे दिया, तो gap से क्या होता है? Energy down होता है. अभी मैं मान लो, अभी आपको training दे रहा हूँ. अभी देखो, मैं training दोबारा change कर देता हूँ. तो क्या है कि उधर में वो gap नहीं देना है. ठीक है? वहाँ gap देंगे ना? So energy down होगा, तो समझाने में problem होगा. और फिर वो जो वहाँ पे impact है, वो नहीं आएगा. It is, you know, that's problem. So now my next point is, हाँ, समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ गया ना? हाँ. वो expression. हाँ. हर चीज़ एक flower, string, process to deliver the garland. Remember that process. Well done. Let us shake hand. Give him a hand. Give him a hand. Please take your seat. Very good. Okay, now I invite my next speaker, Mr. Mastanaya ji. Give him a hand. Give him a hand. Yeah. When you are ready, just tell me, I can start my stopwatch. Okay, sir. Ready, sir? Here we go. Good evening, friends. I am Mastanaya from CVRD. Now I am going to explain my contributions. I have worked in thermal torpedo project, that one. Thermal torpedo project. For this project, I have done complete cable wiring for test bed as well as torpedo. I have participated in the sea trials as well, lake trials also. There are so many problems which are encountered by the subsystems. So while doing the integration test, we sorted out. Then again, we conducted the number of trials. So nearly 50 tests have participated. So successfully we completed that project. Second one is good. Autonomous underwater vehicle, that is AU project.
This is the unmanned autonomous means unmanned vehicle, which is going under the water in the 50 meters depth. So in Nagar Sagar as well as Bay of Bengal, we tested that vehicle. Now for this project, ECL is the industrial partner. So with them, we coordinated and successfully completed. Third one is, I have worked as a property officer for environmental test center in my lab. So this environmental, I can write down, this is, for this, I have worked as a property officer. I am fully responsible for what are the items inside the center. Inside items means we are having so many test facilities like shocking, vibration, temperature chambers, load test, beam test, sand test. So many all types of environmental tests we are having. So not only our lab level, all our country we are testing and giving certificates. We are also performing the duty there. Time over, sir. Audience, I want your response, please. How beautifully he has picked up and how beautifully he has aligned all the content the way I was guiding. Congratulations. Abhi main to zara baat Hindi mein bola, phir bhi aapne badhiya bola. Number of attempts attended. So, if at all one suggestion I need to give you is to keep yourself absolutely proper when you are going for interview and just maintaining same smile, the one you are giving right now. Otherwise, your presentation was fantastic. If I was the one who was taking interview based on selected, thakka. Yeah. God bless you. Yeah, Mahan. Well done. You know, huh? Okay, now we invite Mr. Naresh. Naresh ji, give him a hand, everybody. Naresh ji, your time starts now. Good afternoon, everybody. Come here. Myself, Naresh Kumar Lohar, और इस दौरान मैं पांच major activities में involved रहा हूँ. Publication of DSJ and publication of DLSJ. DSJ एक international journal है DRDO का और इसमें मैं as a editorial assistant काम कर रहा हूँ. और मेरी जो responsibility है वो primary scrutiny की और peer review processing की है और इसी तरह का similar work है वो मैं DLSJ में कर रहा हूँ और DLSJ में भी मेरी similar responsibility है. इसके अलावा मैंने science communication division में काम किया है, वहाँ पर जो दो समाचार पत्रिकाएँ DRDO समाचार और प्रौद्योगिकी विशेष, इनमें मैं एज ए एडिटोरियल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ और DRDO की विभिन्न लैब से न्यूज़ आर्टिकल्स मंगवाना, उनकी कॉपी एडिटिंग करना, उनकी प्रूफ रीडिंग करना, ये काम है मेरा साइंस. इसके अलावा मैं मार्केटिंग डिवीज़न में DRDO पब्लिकेशन के प्रमोशन और सब्सक्रिप्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ. इसके अलावा इस दौरान मैंने दो कॉन्फ्रेंसेज में भी काम किया है और एक कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी टीम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला था और इस कॉन्फ्रेंस में हमने रिपोर्ट नंबर ऑफ आर्टिकल हमने पब्लिश किए और हमारे जो काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था. बहुत बढ़िया. तालियां जरा जोर से बजाइए. देखिए, ये मेरी अचीवमेंट से ज़्यादा आप लोगों की अचीवमेंट है. आप लोग चीज़ को समझ पा रहे हैं. आपको अच्छा लगा? खुद को सुन के अच्छा लगा? जब आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो और अच्छा लगेगा. अच्छा, अब एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताना ज़रूरी है यहाँ पे. एक तो जब आप प्रेजेंटेशन को एंड करें तो क्या बोलना है वो ज़रूरी है. हाँ, या व्हेन यू सी ही न्यू दैट ही हैज़ ओनली 1 मिनट टाइम, तो उसके दिमाग में टेंशन था. नेचुरली 10 मिनट में उतना टेंशन नहीं होगा क्योंकि उसको टाइम मिलेगा बात करने के लिए. सो वहाँ पर आपको 10 मिनट मिलेगा तो वहाँ स्पीड थोड़ा कम करिएगा, फोर्स मेंटेन रखिएगा, स्पीड कम कीजिएगा, ठीक है. एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन यू हैव टू से आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच. ये बोलना ही पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड कंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड देन यू स्लाइटली गो एंड देन सेट डाउन. याद रहेगा ना, नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको तो लैपटॉप यूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक्सप्रेशन चलना चाहिए. भाग कुछ स्पीकर आप देखते हैं ना यूट्यूब में, वो दौड़ के कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, यार क्या कर रहा है यार. आपको एक अच्छे तरीके से खड़े होकर बात करनी है, ठीक है. सो ये एक बार याद रखिएगा ना. ये वाला वापस कर दीजिए, एक तालियां बजा दीजिए इनके लिए. हाउ आर यू फाइंडिंग द एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? अब आप देखिएगा, वहां जब जाएंगे ना इमीडिएटली आपको रिकॉल हो जाएगा.
because you are going through the practical process. Even if those who cannot speak today, but they are observing, तो उधर याद आ जाएगा आपको. मैं तो पहले दिन बोल ही नहीं पाया था. मैं जो सोचा था हिंदी इंग्लिश में ही बोलना बोलता, अभी मुझे समझ में आया हिंदी में भी बोल सकता हूँ. कौन आराम से, हाँ आराम से, मुझे एकदम इजी 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 इजी. हाँ नहीं, मैं आता हूँ सेकंड राउंड में, आऊँगा. दो तीन लोग अभी और पेंडिंग है. हाँ अच्छा, अभी फर्स्ट फाइव के लास्ट स्पीकर पेंडिंग है, बट हम टाइम के बहुत करीब हैं. तीन लोग और मैं ऐड करना चाहूँगा. एक तो आप आएंगे, नाम बताएं अपना. पंकज, पंकज, पंकज. हाँ एक और, हाँ नाम बताएं. भानु जी. और मैडम आप दोनों में से कोई आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, हमको समझ में आ जाएगा ना. है हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी ठीक है. सो आइए हम सबसे पहले भानु जी को बुलाते हैं, तालियों के साथ भानु जी को बुलाइए. आप सभी को हमारा नमस्ते. मैं भानु प्रकाश बीमासआरडी में टीओपी के रूप में काम कर रहा हूँ. मैंने पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किया है संक्षेप में उसका विवरण इस प्रकार है. हाँ डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोजेक्ट, इवेल्यूशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, विस्कोसिटी, पोर प्वाइंट डेंसिटी आदि, कंडेंसेशन ऑफ 57 मशीनरी आइटम्स और ऑडिट ऑपरेशन वर्क इज ऑल्सो डन. हो गया. अच्छा तो भानु जी आज तो लर्निंग का दिन है, इसलिए ज़्यादा कुछ सिखाने की जरूरत है, बट क्या लगता है आपको क्या क्या और इम्प्रूव करना है? मेरा थोड़ा मेमोरी में और भी मटेरियल था वो, उसको हमें मिस कर गए. कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास लैपटॉप होगा. हेलो, आपके पास लैपटॉप होगा, आपको उसको देख कर ही बोलना है. हमारा पर्पज आज ये था कि आप बोलने में कॉन्फिडेंट हो, कंटेंट तो बाद में चेक कर लेंगे. तो वो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, जोरदार तालियों से इनको विदा किया जाए. आइए बैठिए. अब हम पंकज जी को बुलाएंगे. पंकज जी आइए, अपनी सीट लीजिए और आप अपना प्रेजेंटेशन सुनाइए हमें. हाँ स्टार्ट करेंगे. आप रब कर लीजिए, पहले इसको रब कर लीजिए. शुरू कर रहे हैं. नमस्कार, मैं पंकज कुमार शर्मा, डी एम एस आरडी कानपुर से. मैं अपने लैब में मैकेनिकल कैरेक्टराइजेशन करता हूँ. पिछले 5 वर्षों में मैंने डिफरेंट टाइप के कंपोजिट मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस सिस्टम, फ्लेक्सरल स्ट्रेस टेस्ट किया है. इसके अलावा मैं कॉन्टैक्ट एंगल मेजर भी करता हूँ. स्ट्रेस मेजर करने के लिए जो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ इस प्रकार है. स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाई एरिया. कॉन्टैक्ट एंगल मेजर करने के लिए हम लोग मतलब डाटा फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मैं सबस्ट्रेट पर वाटर ड्रॉपलेट्स गिराकर हम लोग ये निचोड़ निकालते हैं कि वो जो सबस्ट्रेट है वो सुपर हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है या है अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक है. उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक इक्वेशन, यंग्स इक्वेशन. इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसके सरफेस टेंशन ये जो फार्मूला है ये एक्चुअली वेपर है, लिक्विड है, सॉलिड है. देन हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, जो थीटा एंगल है, देन गामा एल बी कॉस थीटा प्लस गामा एल एस इक्वल टू. लेकिन हमारी घड़ी के हिसाब से समय की समाप्ति हो चुकी है, तो हमें तालियां बजानी पड़ेंगी, मजबूरी है. बहुत धन्यवाद. वो कवर उसका दे दीजिएगा. तो आइए आइए, इधर आइए. इसमें कोई शक नहीं, आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है और हम उसकी तारीफ करते हैं, इसको और बढ़ाएं. एक दो सजेशन आप चूंकि उधर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इनके लिए देना चाहें तो उनकी मदद होगी, ताकि अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकें. एक एक करके. हाँ वॉइस का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना याद रखिएगा. हाँ जी सर, कंट्रीब्यूशन बताना है वहाँ पे, प्रोसेस नहीं. अच्छा प्रोसेस नहीं बताना है, आपने क्या किया वो बताना है. ठीक है, एक और कुछ, और कुछ. हाँ पीठ नहीं दिखानी है, दो तीन पॉइंट है जिस पे आपको काम करना है. बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां दें. आइए बैठिए.
अच्छा अभी राजीव जी आएंगे, हाँ आपका प्रेजेंटेशन इसको रब कर लीजिए राजीव जी। मेरा नाम राजीव चोपड़ा है और मैंने जो 5 साल में 2 डिविजन्स में काम किया है, डेसी डॉक के एक HRD और एक प्रिंटिंग। HRD में जो मेरा वर्क है वो है कंडक्टिंग CP कोर्स, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्सेज, डेप्यूटिंग डेसी डॉक ऑफिसर और स्टाफ टू आउटसाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंडक्शन ऑफ अप्रेंटिसेस और इंडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेनीज और ऑर्गेनाइजिंग HR मीटिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इन प्रिंटिंग डिवीजन जो DRDO पब्लिकेशन से वो प्रिंट किए हैं, जो ऑफसेट मशीन से, डिजिटल प्रेस से, स्क्रीन प्रिंटिंग से। ठीक है, हाँ अच्छा अभी हो गया ये वाला, ओके फाइन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो क्या लगा आपको, क्या आपको अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको सारे जो पैरामीटर्स हैं वो समझा दिए। आपको क्या लगा, क्या क्या इम्प्रूव करना है? सर एक मिनट, एक तो टाइम जो दिया है उसमें हाँ मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं कर पाया, टाइम को छोड़ दें तो क्या क्या इम्प्रूव करना है? एक तो ज़्यादातर फोकस आपका इधर था, ऑडियंस की तरफ नहीं था, ठीक है। एक तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये, आप लोगों को क्या लगा बताइए, ठीक है ना। हाँ थोड़ी एंग्जाइटी दिख रही थी, वो रिव्यू करेंगे तो एंग्जाइटी चली जाएगी। और कोई पॉइंट इनकी मदद कर सकते हैं तो वॉइस पे काम करना है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट पे काम करना है, जैसा कि उन्होंने बताया आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है उसकी मेन एक प्रेजेंटेशन देनी है। ओके ऑल द बेस्ट, तालियां बजा दीजिए थोड़ा। लक्ष्मी जी आप आइए, अब आपका टाइम है। A very good afternoon to all of you. I am presenting synopsis of work carried out by me during the period of assessment. During this period, I was assigned the major responsibilities as the design and development of Defence Science Library website and newspaper clipping portal on internet. Website on Drona and NBC portal on internet. I am also involved in publication of Defence Science Journal of DESIDOC, which is in our publication of DESIDOC. Apart from this, I also involved in e-publishing of tenders on DRDO website as well as on CPP portal on internet. I also involved in single window services maintenance and updation and their mirroring and server of single window services of Drona. And apart from this, I also involved in subrouting maintenance of subrouting center of DESIDOC ठीक है, कोई बात नहीं, give her a hand, give her a hand, yeah, कोई बात नहीं, बैठ 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 बैठ। नाउ हियर कम्स द फाइनल पॉइंट। हमें साइंस समझ में आ गया प्रेजेंटेशन का, रिस्पांस कीजिए। साइंस समझ में आ गया, ठीक है। साइंस ये है कि आपकी क्लैरिटी नंबर वन, अब फाइनल लिखवा रहा हूँ, फाइनल नोट है ये, ठीक है। आप किस क्लैरिटी में बात कर रहे हैं वो पॉइंट नंबर वन है। सो फर्स्ट इज क्लैरिटी, ठीक है। The second is your overall expression, हाथ का यूज, expression। पहला क्लैरिटी, जैसे मैं क्लैरिटी वर्ड बोल रहा हूं तो क्लैरिटी में आ रहा है आपके पास, सो क्लैरिटी, ओवरऑल एक्सप्रेशन नंबर टू। नंबर थ्री, द अलाइनमेंट बिटवीन द PPT एंड द ऑडियंस एंड यू। आई रिपीट, द अलाइनमेंट बिटवीन PPT ऑडियंस एंड यू, सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्राइंगल, PPT ऑडियंस एंड यू। If you are looking at PPT and showing your back, it's a wrong process. So you can only look PPT like this and talk like this. Left hand PPT, right hand expression. It's a fantastic presentation.
So alignment between PPT, audience and you, and ending with a beautiful note on thanks. I'm extremely thankful to you. That's all. That's all. And most of you वो सारा process समझ गए, cover किए. इसको review करके जाइएगा घर पे. कितनी बार मैंने बोला? वो मत भूलिएगा. याद नहीं करना है, क्या करना है? Review करना है बस. Review. अभी walk करते करते review कर लिया. कभी ऐसे review करके जाइएगा. और आप देखिएगा, आप बहुत बढ़िया presentation देंगे. I am so grateful to God that God has given me the opportunity to share my, you know, skills in your project which is coming. God bless you. Thank you with celebration.